हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिथस फूड। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे राइस को आधे घंटे से भी ज़्यादा भिगो के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बिरयानी राइस है, तो इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अब इसके लिए चिकन मैरिनेट करेंगे। तो चिकन मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन लिया है और इसी के साथ ही हाफ़ के जी राइस भी लिया है। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं इसमें थोड़े से धनिया के डंठल को भी डालकर इसमें ग्राइंड कर लिया है, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो 3 से 4 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे या फिर स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। तीखापन देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें से बीज निकाल लिए हैं, इसमें से 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेश धनिया का पत्ता ऐड करेंगे। दो से तीन चम्मच इसमें दही ऐड करेंगे। थोड़ी सी ग्रीन चिली काटकर ऐड करेंगे। इसी के साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से या फिर चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन में इसका मसाला अच्छे से मिक्स हो सके। इसी के साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई किया हुआ अनियन भी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम राइस को उबाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, इसमें थोड़े से गर्म मसाले डाल लेंगे। आप चाहे तो गरम मसाले की पोटली भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारे गरम मसाले इसमें डाल लेंगे, ताकि पानी में इसका फ्लेवर अच्छे से आ सके। इसी के साथ ही मैं इसमें 2 से 3 टुकड़े नींबू के ऐड करूंगी, जिससे कि राइस अच्छे खिले खिले बनेंगे। आप चाहे तो 2 से 3 ड्रॉप ऑयल का भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइस को धो के निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब राइस को इसमें डाल लेंगे और 80% तक इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। हमें ढक्कन को पूरा बंद नहीं करना है, हम इसे आधा इसी तरह से छोड़ देंगे और इसे 80% कुक कर लेंगे। यहाँ पे राइस 80% कुक हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और एक बड़े से बर्तन में फैला के इसे रखेंगे, ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। राइस को छानकर अलग कर लेंगे। अब हम चिकन बिरयानी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बर्तन में ऑयल डाल लेंगे और उसमें सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। हमें मसालों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना इसका टेस्ट इसमें चले जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए प्याज। तो एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, अब इसे भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज जब अच्छे से ब्राउन फ्राई हो जाए, अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। मैंने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख लिया है। अगर आपके पास समय ना है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे 2 घंटे तक का मैरिनेशन करके रखा था। अब इसे इस मसालों में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन के पकने तक का इसे फ्राई करेंगे। हमने इसमें सारे मसाले मिक्स कर लिए थे, तो हमें इसे बस अभी फ्राई करना है और इसे ढकते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से जल ना जाए।
चिकन को हमें कम आंच में पकाते हुए 5 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन से कितना पानी निकल चुका है। हमें इसी तरह से इसे बीच बीच में चलाते रहना है और चिकन को इसमें अच्छे से पका लेंगे। हमने अभी चिकन को फिर से चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन से सारा ऑयल साइड से निकल चुका है, चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हमें चिकन की ग्रेवी को इतनी ही रखनी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने मैरिनेट के वक्त गरम मसाला ऐड किया था। अभी हमारी चिकन की ग्रेवी भी बनकर तैयार है। राइस को इस तरह से मैंने 2 बर्तन में अच्छे से निकाल लिया था। अब थोड़ा सा चिकन मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, इसकी लेयरिंग करेंगे। तो नीचे मैंने चिकन की लेयरिंग रखी है, अब उसके ऊपर इस तरह से राइस को फैला लेंगे। ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड करूँगी और साथ ही फ्राई किए हुए अनियन भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे चिकन की जो हमने ग्रेवी थोड़ी सी बचा के रखी थी इसे भी ऊपर सेट कर लेंगे। आप चाहे तो चिकन की लेयरिंग जिस तरह से कर सकते हैं, एक लेयर भी कर सकते हैं या फिर 2 लेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन की 2 लेयर की है। अब इसके ऊपर वही उसी प्रोसेस से फिर से राइस डाल के इसे अच्छे से फिल कर देंगे। अब हम ऊपर से थोड़े से फ्राइड किए हुए अनियन ऐड करेंगे। ऊपर से हम थोड़े से फिर से धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। आप चाहते इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते से बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास पुदीना का पत्ता नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ धनिया के पत्ते का यूज़ किया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम एसेंस ऐड करेंगे। तो एसेंस को मैंने थोड़ा सा पानी में इस तरह से मिक्स कर लिया था जिससे कि इसका टेस्ट चारों तरफ अच्छे से आ सके। आप चाहे तो केवड़ा एसेंस या फिर रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऊपर से घी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच चारों तरफ घी अच्छे से फैला दूँगी। थोड़े से दूध में मैंने थोड़े से नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया था, अब उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। याद रहे कि हमने राइस को कुक करते समय भी नमक का ऐड किया था, तो आप स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी आप इसमें नमक ऐड करें। थोड़ा सा ग्रीन कलर चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे, इससे राइस में अच्छा सा कलर आएगा। ये ऑप्शनल है। इसी के साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो बिना कलर के भी इसे बना सकते हैं। अभी हमारी राइस की लेयरिंग अच्छे से हो चुकी है। अब आटा को लेकर हमें इस तरह से चारों तरफ इसके लगा लिए हैं दम देने के लिए और इसके ऊपर एक प्लेट को अच्छे से सेट कर लेंगे, दबा लेंगे ताकि आटे में अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसे दम देने के लिए हमें इसे 25 से 20 मिनट का समय लग सकता है। अगर आपका पतीला थोड़ा सा पतला है तो आप इसे तवे के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसे 20 से 25 मिनट के लिए इसे दम करने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसे 25 से 20 मिनट के लिए दम देने के लिए छोड़ दिया था। अब इसे चेक कर लेंगे। तो हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिला लेंगे या फिर मैं इसे एक बड़े से बर्तन में डाल लूँगी जिससे कि इसके राइस ना टूटे। तो इसे मैंने एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये बिरयानी कितना कलरफुल लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैंने यहाँ पर सारा राइस इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है।